यूक्रेन युद्ध में रूस को जोरदार झटका लगा। यूक्रेन ने दावा किया कि खार्की फ्रंट पर 24 घंटे में औसतन 1000 रूसी जवानों की मौत हो रही है, क्योंकि यहां रूस की सेना तोप के गोले के भरोसे जंग लड़ रही है। वहीं यूक्रेन के फाइटर ड्रोन पुतिन आर्मी का काल बन गए हैं। उधर युद्ध से दूर प्रेसिडेंट पुतिन चीन की 2 दिन की यात्रा पर है और यहां बहुत बड़ा छल हो गया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए बीजिंग में पुतिन का ज़ेलेंस्की से बड़ा दुश्मन कौन है। यूक्रेन युद्ध से घातक ट्रैप में फंस गए पुतिन। बीजिंग में बारूद से जलेंगे पुतिन। पुतिन का दुश्मन नंबर 1 ज़ेलेंस्की नहीं, कोई और। यूक्रेन के बारूदी तांडव को बीजिंग ने और भड़का दिया है। यूक्रेन रूस के टकराव में डेंजरस ड्रैगन ने षड्यंत्रकारी चाल चल दी है, जिसके बाद खार्कीव में रूस की फोर्स ने नए फ्रंट खोल दिए। ज़ेलेंस्की के गढ़ की तरफ पुतिन आर्मी का मार्च शुरू हो गया है। रूस के अंधाधुंध हमले से यूक्रेन का जर्रा जर्रा दहल रहा है, लेकिन मिसाइलों की ये मार बॉमर से किए जा रहे हैं। ये धमाके अभी और तूफानी होंगे, क्योंकि यूक्रेन की पावर में सुपर पावर अमेरिका ने बूस्टर डोज लगा दी है। विध्वंसक हथियारों का नया जखीरा यूक्रेन को मिलने जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को $2 बिलियन की मदद का ऐलान किया। जर्मनी ने कीव के किले को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की को पैट्रियट मिसाइल की बड़ी खेप भेज दी है। पश्चिमी देशों से मिले बैकअप से यूक्रेन ने खार्कीव में रूस को बैकफुट पर भेज दिया है। अब तक खार्कीव फ्रंट पर 700 रूसी सैनिकों के खात्मे का यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। मतलब युद्ध में पुतिन के ज्यादातर प्लान नाकाम साबित हो रहे हैं। उधर चीन पहुंचे पुतिन ने शी जिनपिंग को युद्ध काल में मदद के लिए आभार जताया है। Договорились с председателем Си Цзиньпинем подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером. Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Китайской Народной Республики о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы. प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन युद्ध का हल चीन में तलाश रहे हैं, जबकि ड्रैगन इस युद्ध में अपनी तिजोरी भरने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। पुतिन की चीन यात्रा में जिनपिंग ने अपने मुनाफे के सारे फैसले करवा लिए हैं। पुतिन ने खुद इस बात को जग जाहिर किया है कि चीन से बड़े व्यापारिक समझौते हुए हैं, जिससे कारोबारी लेन देन के साथ अब चीन रूस की इकोनॉमी में आसानी से घुसपैठ कर पाएगा। पुतिन से चीन के मनमाफिक डील करने के बाद शी जिनपिंग ने भी दोस्ती का राग अलाप दिया। बीजिंग में पुतिन के लिए बिछाई गई लाल कालीन बड़े चक्रव्यूह का हिस्सा है। चीन कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन युद्ध का हल निकले, क्योंकि ड्रैगन इस युद्ध के बीच अपने सबसे खौफनाक मंसूबे को अंजाम देना चाहता है। रूस को यूक्रेन फ्रंट में उलझे रहने के दौरान ही ड्रैगन अपने प्लान को कामयाब बना सकता है। इसे ऐसे समझिए, जब एक तरफ बारूदी घमासान, दूसरी तरफ पुतिन मेहमान बने हैं, एक तरफ मौत का मंजर है तो दूसरी तरफ षड्यंत्र की बिसात बिछी हुई है। एक अंतहीन युद्ध में फंसे पुतिन, जिसे जिगरी यार मान रहे हैं, वही चीन उनकी शिकस्त का गेम प्लान बनाकर बैठा है। पुतिन की चीन यात्रा की टाइमिंग, इसका मकसद, इस विजिट के नफे नुकसान का जब जोड़ घटाना होगा तो आखिर में व्लादिमीर पुतिन खुद को ठगा हुआ पाएंगे। ऐसा क्यों है तो जानिए ये बैकग्राउंड स्टोरी।
जिसमें ड्रैगन की बारूदी साजिश का पूरा ब्यौरा है। रूस के नक्शे पर दिख रहा ये व्लादिवोस्तक शहर है। चीन दावा करता है कि रूस का व्लादिवोस्तक शहर साल 1860 से पहले उसके मुल्क का हिस्सा था। विस्तारवादी ड्रैगन की नजर रूस की जमीन पर लंबे अरसे से बनी हुई है। रूसी सेना के एक दस्तावेज से पर्दाफाश हुआ कि साल 2008 से लेकर 2014 तक जब रूस की सेना ने यहां युद्धाभ्यास किया था, तब चीन ने प्रदर्शनकारियों को पैसा दिया और रूस के सुदूर पूर्व के इलाके में हमले तक करवाए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस लीक हुए दस्तावेज को खुद रूसी सैन्य अफसरों ने लिखा था। रूस में अलगाववाद की आग लगाकर ड्रैगन आर्मी व्लादिवोस्तक को हड़पने का हथकंडा भर नहीं आजमाती। 14 फरवरी 2023 को चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने अपने नक्शे में रूस के 8 शहरों के नाम अपने हिसाब से रखे। चीन ने नक्शे में रूस के 8 शहरों और इलाकों का नाम चीनी भाषा में रखा। चीन ने रूस के व्लादिवोस्तोक शहर का नाम हैशेन वेई रखा। सखालीन द्वीप को कुए दाबो बुलाना शुरू कर दिया। इन इलाकों को रूसी साम्राज्य ने 19वीं सदी में अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन चीन ने इस हिस्से पर अपना दावा हमेशा बनाए रखा। ड्रैगन आर्मी का प्लान रूस से लगे इस बॉर्डर पर घातक हथियारों की तैनाती का भी है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन के कमजोर पड़ने भर की देर है। उसके बाद रेड आर्मी अपने बारूदी षड्यंत्र को अमल में लाने की ताक में बैठी है।